नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। प्रधानमंत्री मोदी यारों के यार, एक सच्चा दोस्त ही पूरी दुनिया की नजरों के सामने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यह कह सकता है कि आज का युग युद्ध का नहीं है। सभी अमेरिकी अखबारों में ये खबर हेडलाइन बनी। सात समंदर पार मौजूद मोदी के यार ये जानते हैं कि ये शख्स जिंदा दिल इंसान है, दोस्ती करता है तो टूट कर करता है। मोदी की इसी दोस्ती और डिप्लोमेसी की दुनिया कायल है। लगभग सभी राष्ट्र अध्यक्ष हर एक मंच से कहता है, ये है मेरा सच्चा दोस्त, माय फ्रेंड मोदी। नमस्ते, नमस्ते, माय ट्रू फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती और डिप्लोमेसी का डंका दुनिया देख और सुन रही है। माय ट्रू फ्रेंड, थैंक यू माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। बात जब दोस्ती की हो तो यारों के यार बन जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात जब दोस्ती की हो तो सरहदें पार कर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात जब दोस्ती की हो तो सात समंदर पार निकल जाते हैं पीएम मोदी। और बात जब दोस्ती की हो तो तमाम बंदिशें भी तोड़ देते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सारे जमाने में ये चर्चा है कि पीएम मोदी दोस्ती निभाने के लिए जाने जाते हैं। जहां जाते हैं, जिससे मिलते हैं, दिल से मिलते हैं और दोस्ती की बुनियाद तैयार कर देते हैं। बीते 8 सालों में मोदी के दोस्तों की लिस्ट लंबी जरूर हुई है, लेकिन उसके साथ ही हर दोस्त से उनके रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। बराक ओबामा से लेकर बाइडेन तक, पुतिन, नेतन्याहू, मैक्रों, बोरिस जॉनसन, शिंजो आबे, एंजेला मर्केल, इसके अलावा एक नहीं बल्कि 6-6 मुस्लिम देश भी मोदी की यारी के मुरीद हुए हैं। मोदी के दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ही करते हैं, क्योंकि पुतिन और मोदी की मुलाकात का लाइव टेलीकास्ट अमेरिका में व्हाइट हाउस तक हुआ। समरकंद में पीएम मोदी और जिगरी दोस्त पुतिन के बीच दिल खोल कर बातें हुई। मोदी ने एक बार फिर बता दिया कि पुतिन से दोस्ती के मायने क्या है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए जाओ और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए, हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है, लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के दौरान विश्व के तमाम बड़े देश रूस को पाबंदियों की जंजीर में जकड़ रहे थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे। वो रूस से लगातार सस्ते दाम पर तेल खरीद रहे थे और आर्थिक दुश्वारियों में दोस्त की मदद डॉलर के जरिए कर रहे थे। पाबंदी की नसीहतों और तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए भारत ने बीते कुछ महीनों के दौरान रूस से अपने तेल आयात का ग्राफ बढ़ाया है। भारत के तेल आयात में फरवरी 2022 से पहले जहां रूस की हिस्सेदारी केवल 2% की थी, तो वहीं जुलाई अगस्त में यह आंकड़ा बढ़कर 19% तक पहुंच चुका है। इसके अलावा AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण में भी भारत की मदद कर रहा है रूस और 2031 तक करीब 6 लाख AK-203 राइफल भारत को मिल जाएंगी। इसके अलावा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील पहले ही हो चुकी है और ये मिसाइलें भारत को मिलना शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि रूस से नजदीकी के बावजूद कभी अमेरिका भारत को दरकिनार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चाहे ओबामा हो या फिर ट्रंप या बाइडेन, सबको पता है कि मोदी क्या है, कौन है, कैसे हैं और पूरी दुनिया में कितनी धाक रखते हैं। मोदी का यही प्रभाव है कि फरवरी 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के तहत भव्य स्वागत देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की तारीफ और यारी में कसीदे पढ़े थे।
let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. He started out by his father's side as a chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. America loves India, America respects India, and America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. जरा सोचिए, एक वक्त ऐसा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका गए तो व्हाइट हाउस से बहुत दूर ग्रिल के पास खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई और वापस लौट आए। मगर जब दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान हुए और पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका विजिट की तो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वागत का ऐसा इंतजाम किया कि चीन और पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगे। इसकी चर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में की थी। मैं जब पहली बार अमेरिका गया था तो व्हाइट हाउस जाना तो हमारे नसीब में नहीं था, तो व्हाइट हाउस से दूर एक लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई है, तो अब जाली के बाहर खड़े रह करके फोटो निकाली थी, पीछे व्हाइट हाउस दिखता है, और अब प्रधानमंत्री बन गए तो वो फोटो भी पॉपुलर हो गई। लेकिन तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी ज़िंदगी में व्हाइट हाउस में जाने का अवसर आएगा। लेकिन जब मैं व्हाइट हाउस गया, एक बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं ये कभी भूल नहीं सकता हूँ। बराक ने मुझे किताब दी, तो कभी व्हाइट हाउस के से दूर कहीं खड़े रह करके फोटो निकालना और फिर कभी व्हाइट हाउस में जाकर के जिनके प्रति मेरी श्रद्धा रही है उनके जीवन की किताब प्राप्त करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल को कितना स्पर्श कर गया होगा। प्रधानमंत्री की एक खासियत और है, जो उनसे एक बार मिला वो बस उन्हीं का हो जाता है। मोदी की आत्मीयता ऐसी होती है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मोदी ने उन्हें नाम लेकर संबोधित किया था। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वाशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और हिंदुस्तान की जनता को भी निकट लाया। उस दौरान हालांकि कुछ विरोधियों ने प्रधानमंत्री मोदी की इसके लिए आलोचना भी की थी, लेकिन दोस्ती को सबसे ऊपर रखने वाले मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी की विदेश नीति और दोस्ती दोनों ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अभी प्रधानमंत्री बने 8 महीने भी नहीं हुए थे और मोदी ने बराक ओबामा को 26 जनवरी के मौके पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया। ओबामा भी मोदी की यारी के ऐसे मुरीद हुए कि सारे प्रोटोकॉल को दरकिनार कर 26 जनवरी की परेड में मोदी के साथ खास मेहमान बनकर घंटों बैठे रहे। यही वो अमेरिका है जिसने कभी मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब मोदी प्रधानमंत्री बनकर अमेरिका जाते हैं तो हर राष्ट्राध्यक्ष दिल खोलकर स्वागत करता है, रेड कारपेट बिछाता है, गले लगाता है और हाथों में हाथ डालकर स्टेज शो तक होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राष्ट्राध्यक्ष को गले लगाने लगे तो उनकी इस हग डिप्लोमेसी की चर्चा हर तरफ होने लगी, लेकिन विपक्ष को ये बात रास नहीं आई। उनकी घेराबंदी की कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ये प्यार बांटना यूं ही अनवरत जारी रखा। आज भी जब वो अपने 7 समंदर पार वाले किसी यार से मिलते हैं तो उनकी यही गर्मजोशी नजर आती है। मोदी के जिगरी दोस्तों में एक नाम इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी लिया जाता है। फ्रेंडशिप डे पर नेतन्याहू जब मोदी के साथ फोटो शेयर करते हैं तो लिखते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नेतन्याहू का भारत से गजब का लगाव रहा है।
साल 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल दौरा किया तो नेतन्याहू ने अपने दोस्त का स्वागत हिंदी में करते हुए कहा कि स्वागत है मेरे दोस्त, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स हैरान रह गया था। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। मोदी को दुनिया की महान शख्सियतें यूं ही अपने दोस्तों में शुमार नहीं करती, उसकी वजहें हैं। याद कीजिए कोरोना की पहली और दूसरी लहर, जब चीन से निकला वायरस पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्तों की जरूरत का ख्याल रखा, मानवता के नाते हर मुल्क के दिल खोलकर मदद की। विदेशी दोस्तों ने भी भारत को सहारा दिया था, किसी ने वेंटिलेटर, किसी ने ऑक्सीजन, तो कोई कोरोना किट भेज रहा था। जब भारत की बारी आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ दोस्ती बल्कि इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की। दो साल में दुनिया भर के करीब 50 देशों को 23 करोड़ से ज्यादा स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भेजी। अपने ही देश में तमाम आलोचनाओं को झेलते हुए मोदी ने 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज दान में दे दी। वैक्सीन की ये डोज अफ्रीका के 33 देशों, एशिया के 9 देशों और दक्षिण अमेरिका के 2 देशों बोलीविया और निकारागुआ, ओसियाना के पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड के साथ पश्चिम एशिया के सीरिया और यमन तक पहुंचाई गई। मोदी की फ्रेंडशिप केमिस्ट्री ऐसी है कि भारत में हिस्ट्री बननी ही थी। मोदी का मैजिक ऐसा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के अलावा मुस्लिम देशों में भी उनका जबरदस्त क्रेज है। कई मुस्लिम मुल्क मोदी के फैन हैं। मोदी को एक बार नहीं बल्कि 6 बार सर्वोच्च सम्मान इसी दोस्ती और डिप्लोमेसी का नतीजा है। साल 2016 में पीएम मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान अब्दुल अजीज अल सऊद मिला था। इसी साल उन्हें अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्ला खान से भी सम्मानित किया गया। भूटान के राजा ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रक गाइल्पो से नवाजा। दोस्ती के लिए मोदी सिर्फ 7 समंदर पार नहीं गए बल्कि सरहदें भी पार कर गए। साल 2015 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान गए थे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया। बातचीत में नवाज शरीफ ने उन्हें लाहौर आने का न्योता दिया। फैमिली फंक्शन में शरीक होने के लिए मोदी भी तुरंत पहुंच गए। नवाज की मां के पैर छुए और पाकिस्तान को एक मैसेज दिया कि मोदी पाकिस्तान की आवाम का भला चाहते हैं। भारत के तमाम सुरक्षा एजेंसियों को मोदी के लाहौर जाने के फैसले से हैरानी भले हुई, मगर सारी दुनिया मोदी के इस कदम की मुरीद हुई। प्रधानमंत्री ने जिस शिद्दत से दोस्ती की, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जब बारी दुश्मनी की आई तो वो भी आंखों में आंखें डालकर निभाई। बालाकोट हो या सर्जिकल स्ट्राइक, सीना तान कर पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई। मोदी के दोस्तों में एक नाम और बड़ी शिद्दत के साथ लिया जाता है, वो है शिंजो आबे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मोदी की दोस्ती की शुरुआत एक ट्वीट से हुई थी, जब नरेंद्र मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री के जापान दौरे के बाद तो शिंजो आबे मोदी के मुरीद हो गए। उनके भारत आगमन पर मोदी ने उन्हें बनारस घुमाया। गुजरात दिखाया। शिंजो आबे ने भी बिना देर किए 5 साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए भारत में निवेश करने का ऐलान कर दिया। मगर 8 जुलाई 2022 की तारीख जैसे मोदी के सीने में शूल की तरह चुभी, जब एक चुनावी कैंपेन के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान ने अपना नेता खोया, मगर मैंने तो एक जिगरी दोस्त कमाया। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे तमाम मुल्कों की लिस्ट है जिनके राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी की दोस्ती के कायल हैं। डिप्लोमेसी और याराना, ये कैसे निभाया जाता है मोदी अच्छी तरह जानते हैं। आज भारत की ताकत और कद दोनों दुनिया में बढ़ा है तो इसके पीछे मोदी की कूटनीति और दोस्ती है, दोनों का ही योगदान है। आज हिंदुस्तान की पहचान अगर ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक ओहदा रखती है तो इसके लिए मोदी की ईमानदार दोस्ती भी बहुत बड़ी वजह है। मोदी को मालूम है कि भारत की जरूरत क्या है। मोदी जानते हैं कि भारत के लिए कौन कितना अहमियत रखता है।
मोदी को ये भी खबर है कि देश की अखिलियत को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का फॉर्मूला क्या है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया कहती है माय फ्रेंड मोदी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।